जा कुर्बान जाना तुझे जाना। क्या बात है, तुम तो बहुत खुश नजर आ रहे हो। हम समझे कि तुम नाराज हो गए। हमको तो लगता था कि शहर का नौकरी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये तो बहुत आसान होता है। पहले से सारा घर साफ होता है, हाथ लगाओ तो चमकना शुरू हो जाता है। सारा बात छोड़, पहले ये देख हम क्या लाए हैं, ले ना। ये तो हमारा आधे महीने का तनख्वाह है, इतना सारा पैसा तुमको किसने दिया? वो बेगम साहिबा का बेटा है ना, उसने दिया हमको। इतना सारा पैसा कौन देता है किसी को पलवशा? हम भी यही सोच रहा था कि कोई इतना पैसा किसी को क्यों देता है, लेकिन उसने हमारा फोटो खींचा फिर हमको पैसा दे दिया। हमने पहले मना किया था, लेकिन कहने लगा वो जिसका फोटो खींचता है उसको इतना पैसा देता है। बहुत शरीफ बंदा है, उसने हमको बिल्कुल गलत नजर से नहीं देखा, अगर देखता ना हम ये पैसा उसके मुंह पे मार देता। शहर का लोग बहुत चालाक होते हैं, जितना शरीफ नजर आता है ना उतना होता नहीं है। तो हम अभी नौकरी छोड़ देता है? नहीं अभी छोड़ो नहीं, अभी देखो ना क्या कहते हैं, अभी एक दो दिन में पता चल जाएगा। अगर ऐसा वैसा बात करने का कोशिश भी करे ना, उसी वक्त नौकरी छोड़ देना। या नौकरी का फिक्र नहीं करना, एक नौकरी छोड़ेगा उसी वक्त दूसरा मिल जाएगा। हाँ हमको क्या पता कि शहर का लोग कैसा होता है। तुम सही कहते हैं, जो तुम कहेगा ना हम वही करेगा। इन पैसों का क्या करेगा? अभी इनको संदूक में डाल देता है। पता नहीं हम कब इतना पैसा जमा करेगा। हमारा तो बस यही ख्वाब है कि हम गांव में ना कोई अपना छोटा सा घर बना ले। तुम फिक्र नहीं करो पलवशा, एक दिन हमारा ख्वाब भी पूरा होगा। पहले सिर्फ हम अकेला कमाता था, अब हम दोनों कमाएगा। पहले खर्चा होता था, अब खर्चे के अलावा बचत भी होगा। इंशाल्लाह ऐसा दिन भी आएगा कि हमारा भी अपना घर होगा। हाँ। Thank you.
خان، تمہارے ہماری زندگی پہ بڑے احسان ہیں. تم نے ہم بیوہ سے نکاح کیا، ہمارے چھوٹے سے بچے کو سگے باپ سے زیادہ پیار تھا، اور کبھی جتایا تک نہیں. اور آج آج تم نے ہماری بات مان کر اپنا غصہ تھوک دیا. خان، ہم تمہارے جتنے پاؤں دھو دھو کرتی ہے نا، بہت کم ہے خان. ہماری خاطر صرف دو گھونٹ پی لو نا.